हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज स्टॉकिंग यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हु इज स्टॉकिंग यू। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस है। सो देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एंड ये कार्ड आजकल बहुत कॉमन है, सभी रीडिंग्स में मुझे ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले ये सारे कार्ड्स जो हैं, ये है द फूल एंड द सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, हाइबरनेशन एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। इंटरेस्टिंग। तो व्यूअर्स, ये जो भी है जो आपको स्टॉक कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी लोनली है करेंटली। The kind of vibe or the kind of energy I am getting, ये ऐसी ही है कि ये जो भी इंसान है मन से या reality में ऐसा ही है कि ये इंसान काफ़ी lonely feel कर रहा है, अंदर से भी feel कर रहा है, और fact भी यही हो सकता है कि actually में ये इंसान reality में ये इंसान काफ़ी lonely है। या मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है viewers कि ये जो भी person है कहीं ना कहीं viewers imaginary बहुत है। okay, अकेला रहता है या अकेली रहती है, ज़्यादातर अकेला महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा यू नो सोशलाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, और कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी मुझे इनकी लगती है। थोड़ी साइलेंट पर्सनालिटी है, शाय पर्सनालिटी है, थोड़ा शांत स्वभाव हो सकता है। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। या तो ये कोई ऐसे पर्सन है व्यूअर्स जो शांति में ज़्यादा रहते हैं, इंट्रोवर्ट ज़्यादा हैं, अपने ही स्पेस में, अपने ही जोन में रहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते और बहुत ज़्यादा ना सोशलाइज भी नहीं करते, बहुत टॉकेटिव नहीं हैं, बहुत ही लेस एक्सप्रेसिव हैं, थोड़े शाय भी हो सकते हैं, देर आर चांसेस। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ऐसे इंसान होते हैं यूजुअली देखा गया है, देखिए 100% सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यूजुअली ऐसा होता भी है कि जो इंसान ऐसे अलग अलग रहते हैं, शांत रहते हैं, ये थोड़ा लोनली रहते हैं, इनका ना इमेजिनरी वर्ल्ड काफ़ी बड़ा होता है, इनकी इमेजिनेशन काफ़ी वास्ट होती है, काफ़ी इल्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं क्योंकि ये चुप रहते हैं और कहीं ना कहीं ये सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसके बाद वो जो भी इमेजिन करते हैं या जो भी फैंटेसाइज करते हैं या जो भी डे ड्रीम करते हैं वो अलग ही होता है, कम्प्लीटली यूनिक, डिफरेंट और आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है काफ़ी इमेजिनेशन करते हैं आपको लेकर, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं और अपनी रियल लाइफ में चुप चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, लोनली रहते हैं या रहती हैं, इफ़ दे आर फीमेल तो या रहती हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है करेंटली ये इंसान जिस भी सिचुएशन में है, ये आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, या हो सकता है कि आपके कुछ फ़ोटोज़ इन्होंने सेव कर लिए हैं अपने फ़ोन में, तो उन फ़ोटोज़ को वो बार बार देखते हैं, बार बार अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके क्लोज़ हैं, किससे आपकी दोस्ती टूट गई है, कहाँ पर आप जाने लगे हैं, कहाँ आपने जाना बंद कर दिया है। ओके, और कब आपने कौन सी पिक्चर कहाँ की अपलोड की है, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्टेटस, स्टोरी और पोस्ट वगैरह सब कुछ ये देखने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ब्लॉक्ड है आपकी आईडी से, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर ब्लॉक्ड है तो मुझे नहीं पता कौन सी दूसरी आईडी से देख रहे हैं, कौन सी दूसरी आईडी से एडेड है आपके अकाउंट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लॉक्ड पर्सन तो नहीं है क्योंकि इनके पास मुझे वो यू नो वो एक्सेस दिख रहा है, कि एक्सेस तो नहीं कहेंगे, वो इतना स्पेस दिख रहा है कि वो आराम से आपके आपको स्टॉक कर पा रहे हैं। तो इतना इजीली तभी स्टॉक कर पा रहे हैं जब वो खुद से ही स्टॉक कर रहे हैं, अपने ही सोशल मीडिया हैंडल से, अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से।
तो ब्लॉक तो नहीं लग रहे हैं ये इंसान, व्यूअर्स आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन करते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशन है जो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसके भी चांसेस पता नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन चीज़ों को इमेजिन कर करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वैसा ही ये कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन इनकी लाइफ में चल रही है। व्यूअर्स वैसे तो ये इंसान किसी भी जोडियक साइन का हो सकता है, फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर फायर और वाटर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या तो ये इंसान फायर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है। वैसे जो भी मैंने कहा कि सभी जोडियक साइंस के लिए है ये रीडिंग, तो अगर फायर और वाटर नहीं भी है उनका साइन, तो भी ये रीडिंग उनकी सिचुएशन से या आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, और पॉसिबल है कि शायद आप हो सकते हैं फायर या वाटर। ओके, ये भी चांसेस हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है इनके पास लाइफ में और भी ऑप्शन है। आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते, या किसी और को अपनी लाइफ में लाने के बारे में, या किसी और के साथ क्लोज होने के बारे में नहीं सोच सकते। ऑफ कोर्स दे कैन डू दैट टू, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली इनटू यू, दे आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड इनटू यू। जो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ एक अटैचमेंट अपने आप ही फील कर रहे हैं, एक ऐसा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जो बहुत डिफरेंट है, तो नेचुरली उनका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है, नेचुरली वो दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान व्यूअर्स मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं आपसे किसी कॉमन जगह पर मिलता रहता है, या कहीं ना कहीं आपको किसी कॉमन जगह पर देख सकता है, जैसे कॉलेजेस होते हैं, वर्क प्लेस होता है, या कोई और पब्लिक प्लेस होता है जहां आप आते जाते रहते हैं, तो ये इंसान ऐसा लगता है कि जैसे आपको देख सकता है। आई डोंट नो क्या आवाज़ आती रहती है बैकग्राउंड में सच में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको वहाँ से भी देख सकते हैं, यू नो दे कैन एडमायर यू फ्रॉम फार अवे। तो ये ऐसा भी है, मुझे नहीं लगता कि इंसान बहुत ज़्यादा आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में है, नहीं आपका इंटरेक्शन इनसे हुआ हो सकता है, लेकिन ये आपके फ्रेंड सर्कल में तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मन ही मन ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। यस, समवेयर मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप को ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं समझते, या नहीं समझती, हुएवर दे आर, इनको लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई कमी है, इनके लुक्स में कमी है, या इनकी पर्सनालिटी में कमी है, या इनके कॉन्फिडेंस में, देर इज़ समथिंग जिसको लेकर ये इंसान इनसिक्योर भी है, और उस वजह से ही मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को कम्प्लीट नहीं समझते, ये अपने आप को इनफ गुड लुकिंग या इनफ फाइन नहीं समझते कि आप इनको अटेंशन दोगे, या आप भी इनको उतना ही प्यार करोगे, या आप भी उनको उतना ही यू नो स्पेशल समझोगे। तो वो समझते हैं कि मुझ में कमियाँ हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, ओके, आई थिंक आई डोंट लुक गुड, और आई डोंट हैव अ गुड पर्सनैलिटी, और मे बी आई डोंट हैव दैट यू नो चार्म। तो उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये चीज़ की कमी लगती है, उनको लगता है कि वो आपको इम्प्रेस करेंगे भी तो कैसे, ओके, हाउ वुड दे इम्प्रेस यू। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि वो कैसे आपको इम्प्रेस कर पाएंगे, लेकिन आपको देखने के लिए और कहीं ना कहीं आपको एडमायर करने के लिए या आपके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हमेशा रहते हैं ये इंसान। ओके, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स ये इंसान काफ़ी पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं कहूँगी, बट दे हैव नॉलेज अबाउट समथिंग, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान ये लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इनके आसपास बुक्स वगैरह रहती हैं, या कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर ऐसा है, अगर इफ़ नॉट बुक्स तो मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा काम करते हैं, कोई जॉब ऐसी है या प्रोफेशन ऐसा है जिसमें इनके आसपास पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसा हो सकता है, आई थिंक ऐसा है इनकी पर्सनालिटी के बारे में। काफ़ी इंट्रोवर्ट या शाय टाइप के हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको गेम खेलना ज़्यादा पसंद है, यू नो कंप्यूटर पर जो गेमिंग करते हैं लोग, वो गेमिंग पसंद है इनको, या फिर इनको कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, नॉवेल्स हैं या बुक्स हैं, तो वो बुक रीडिंग इनको अच्छी लगती है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, या गेम वगैरह, वो भी वही उसी टाइप के गेम जो अकेले अकेले खेल सकें, बुक रीडिंग कर सकें, ज़्यादा यू नो शोर शराबा, ज़्यादा सोशलाइज और ज़्यादा हैंग आउट करना ज़्यादा ऐसा नहीं पसंद उनको, या ऐसा है ही नहीं, इनका लाइफस्टाइल ही वो नहीं है। या मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स ये इंसान वैसे बहुत स्ट्रांग है, बहुत करेजियस है, लेकिन आपके सामने आकर इनकी इनकी सारी करेज, सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपके सामने ये नर्वस हो जाती हैं या हो जाते हैं, या आपके सामने ये शाय हो जाते हैं या हो जाती हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि वैसे अपनी लाइफ में काफ़ी इनको गुस्सा कम आता होगा, लेकिन जब आता होगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस गुस्सा आता होगा। लेकिन मुझे लगता है व्यूअर्स, इनका ये गुस्सा या इनकी ये स्ट्रेंथ, इनका कॉन्फिडेंस, जैसी भी है इनकी पर्सनैलिटी, अंदर से जितनी भी स्ट्रांग है इनकी पर्सनैलिटी, वो सारा करेज कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है व्हेन इट कम्स टू यू, क्योंकि वो कंपैरिजन में अपने आप को आपसे काफ़ी कम मानते हैं। दैट इज़ व्हाई। या तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट है तो अंदर से करेजस नहीं है या अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रेंथ है इनके अंदर। मैं इमोशनल स्ट्रेंथ की भी बात कर रही हूँ, तो इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके सामने वो स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, तो क्योंकि वो आपके सामने थोड़ा सा यू नो वल्नरेबल फील करते हैं, आपके सामने थोड़ा सा यू नो क्या कह सकते हैं, वीक फील करते हैं, और नॉट वीक, नर्वस फील करते हैं, या दैट्स द राइट वर्ड, नर्वस फील करते हैं। या उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा किसी की बात सुनते नहीं है, ज़्यादा किसी के कंट्रोल में नहीं आते, और ज़्यादा कोई उनको कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, या ज़्यादा कोई उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, तो उनको लगता है कि यही एक इंसान है जिसकी मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, या यही एक इंसान है जिसे मैं चुपचाप फॉलो करने को तैयार हूँ, यानी पीछे पीछे आने को तैयार हूँ वो जो कहे। तो आपका वो असर है, आपकी पर्सनालिटी का आपका वो जादू है ये कह सकते हैं, या आपकी पर्सनालिटी का वो असर है उन पर, लाइक दे आर रेडी टू फॉलो यू विलिंगली, वो आपको फॉलो करना, आपकी बात मानना, आप जो कहो वो सुनना, जानना, मानना, वो सब विलिंगली करने के लिए रेडी है अपने आप से। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, करेंटली भी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में खोया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट है। यस, लाइक चाहे दिन हो या रात हो, ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं, एंड दे रियली वॉन्ट टू कम टू यू बिकॉज दे आर फीलिंग हाईली पैशनेट अबाउट यू। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, इंटेंस अट्रैक्शन है यहाँ पर व्यूअर्स। ओके, बहुत पैशन ये इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं। मुझे लगता है फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज दे थिंक दैट यू लुक वेरी गुड, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, इसीलिए फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा ही फील कर रहे हैं कि जैसे जब भी आपको स्टॉक करते हैं, इनका मन करता है स्टॉकिंग से क्या होगा, मुझे डायरेक्ट जाके इनके पास बैठना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अगर स्टॉकिंग भी करते हैं ना, तो उनको वो इनफ नहीं लगती, उनको लगता है ये इनफ नहीं है, मुझे आपको फेस टू फेस आपसे बात करके, आपके साथ हैंग आउट करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपको जानना है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या है। या तो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उनका, और इस टाइप का अट्रैक्शन है कि जैसे जैसे वो लिटरली अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि वो आपको कॉल या मैसेज ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जो आपको बुरी लग जाए, तो लिटरली वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं ऐसा लगता है यहाँ पे। और एक अनकंट्रोलेबल पैशन इनको फील होता है आपके लिए। अगर आपकी तरफ से कोई इशारा मिले, कोई हिंट मिले, तो ये सब कुछ भूलकर डायरेक्ट आपकी तरफ आ जाएं, इतना पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये आपके साथ एक यू नो हैप्पी लाइफ के, या न्यू बिगिनिंग के, या न्यू जर्नी के सपने देख रहे हैं। आई वोंट से कि ये सपना कितना सच होने वाला है, लेकिन यस, ये आपके साथ एक आगे आने वाले भविष्य के सपने देख रहे हैं, आपके साथ एक अपना नया सफ़र, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के सपने तो ये इंसान देख रहे हैं। ओके, वो आपके साथ ऐसा लगता है उनको कि जैसे वो आपके साथ आगे की ज़िंदगी अगर उनको जीने का मौका मिले, तो वो बहुत खुशी खुशी जी पाएंगे। तो उनको आपसे रिलेटेड हर चीज़ में खुशी नज़र आती है, आपसे रिलेटेड हर चीज़ में एक्साइटमेंट नज़र आता है, हैप्पीनेस नज़र आती है, तो ऐसा यहाँ पर उनको लग रहा है। Yeah. चलिए मैं आगे और क्लैरिफाई करती हूँ। जब भी आप इनके पास से भी गुजरते हैं या इनके सामने भी होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा गूस बम्स फील करते हैं, या यू नो बटरफ्लाइज उनको फील होती हैं अपने स्टमक में, ऐसा उनको फील होता है। व्यूअर्स, ये जो इंसान है, इनके नाम में 7 अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, 7 लेटर्स हो सकते हैं, या 5 लेटर्स हो सकते हैं,
सेवन और फाइव अगर नहीं भी हैं तो भी ये रीडिंग मैच कर सकते हैं, लेकिन सेवन और फाइव अल्फाबेट्स मुझे लग रहे हैं. ओके, कुछ डेट्स हैं यहाँ पर जो हो सकता है इनकी बर्थ डेट हो. अप्रैल है, अप्रैल एंड जुलाई, अक्टूबर, मार्च जून, अप्रैल, यस, नवंबर, सितंबर, ये कुछ मंथ हैं जिसमें इनका बर्थ मंथ हो सकता है. ओके, और डेट्स मुझे यहाँ पर लगते हैं 8, 18, 28, 7, 17, 27, 10, 20, 30, 4, 14, 24 and 9, 19, 29 and 11, 21, 31, 1. ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ पर रेलेवेंट लगती हैं आप लोगों की सिचुएशन में. तो ये आपकी बर्थ डेट या उनकी बर्थ डेट भी हो सकती है. आइए चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं व्यूअर्स. So we have V, V for van, W, watermelon, W and C, K, F, C, K, F, L, L and T, L, T or R, X, U, S, P. So S W sorry S V W C K P F L T R X U. ये कुछ अल्फाबेट्स हैं व्यूअर्स जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है. ओके, अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया है, रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.